फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है 10 अपकमिंग बिग साउथ इंडियन रीमेक्स इन बॉलीवुड। चलो देखते हैं कौन सी ये रीमेक्स बनाने वाले हैं बॉलीवुड में। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, और ट्विटर में हमें फॉलो करें। जब भी हमारे कोई भी वीडियो पब्लिश होता है उसमें नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू सोशल। साउथ इंडियन रीमेक्स बॉलीवुड में इतने ज्यादा बनाए जा रहे हैं कि आपको हर हफ्ते कोई नई अनाउंसमेंट सुनने को मिलती है। इंडिया में ऑलरेडी इतनी लैंग्वेजेस हैं कि हर लैंग्वेज की फिल्म को देखना व्यूअर्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है। एंड दैट इज वेयर रीमेक्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। देयर इज नो प्रॉब्लम इन रीमेकिंग अ फिल्म, बट व्हाट मैटर्स इज हाउ वेल यू कैन रीमेक द ओरिजिनल। इस वीडियो में हम आपको 10 साउथ इंडियन फिल्म्स के बारे में बताएंगे जिनका रीमेक बॉलीवुड में किया जाने वाला है। दोज ऑफ यू हु डोंट नो, हम इस वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुके हैं एंड दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द सेम सीरीज। पार्ट 1 में हमने कई आइकॉनिक फिल्म्स मेंशन की थी जिनका रीमेक बॉलीवुड में किया जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, इन दैट वीडियो वी मेंशनड अपरिचित, जिसके रीमेक को रणवीर सिंह करने वाले हैं, कैथी के रीमेक को अजय देवगन एंड मलशी पैटर्न के रीमेक को सलमान खान। सो डू चेक दैट वीडियो आउट एज वेल। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो जहां हम कई और रीमेक्स के बारे में आपको बताएंगे। और आप 1,000 रुपए में दिल्ली का टिकट बेच कर प्रॉफिट कमाएंगे? 1,000 नहीं, 1 रुपए में। लगता है कौड़ियों के दाम बिक जाएगा, निकल जाओ यहां से। नंबर 1, दृश्यम 2। एवरीवन नोज कि दृश्यम एक ऐसी थ्रिलर है जिसने हमारे थ्रिलर फिल्म्स को देखने का नजरिया बदल दिया था। इसका सीक्वल जब आया था हम सब हैरान हो गए थे क्योंकि दृश्यम 1 इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट फिल्म। फिर जब दृश्यम 2 रिलीज हुई तो इसको देखने के बाद ऑडियंस बिल्कुल शॉक रह गई थी बिकॉज इट इज अ परफेक्टली मेड सीक्वल। यूजुअली थ्रिलर फिल्म्स के सीक्वल्स बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, बट डायरेक्टर जीतू जोसेफ प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। दृश्यम 2 के पॉजिटिव रिस्पॉन्स को देखने के बाद अब इसका हिंदी सीक्वल भी बनाया जाने वाला है जहां अजय देवगन दोबारा इस फिल्म नजर आएंगे। इट्स स्टिल नॉट डिसाइडेड कि फिल्म को कब बनाया जाएगा, बट मेकर्स ने ऑलरेडी इसके राइट्स खरीद लिए हैं। हिंदी रीमेक के डायरेक्टर निशांत कामत हैज पास्ड अवे, सो इसके सीक्वल को कौन डायरेक्ट करेगा इसको अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है। निशांत कामत ने फिल्म को एक बहुत ही ऑथेंटिक वे में रीमेक किया था जो शायद ज्यादातर बॉलीवुड डायरेक्टर्स ना कर पाए। सो लेट्स सी इसका रीमेक कब बनता है। मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता, हम लोग तो घर पे थे ही नहीं। नंबर 2, हिट द फर्स्ट केस। ये एक तेलुगु मिस्ट्री फिल्म है जिसमें हम एक ऑफिसर की कहानी देखते हैं जो एक पर्सनल ट्रेजेडी से गुजर रहा है, और उसी बीच उसके पास एक मिसिंग लड़की का केस आता है। फिल्म को 2020 में रिलीज किया गया था और ये बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही थी। इन शॉर्ट यू कैन से हिट वाज हिट एट द बॉक्स ऑफिस। हिंदी रीमेक को भी डायरेक्टर शैलेश गोलानू ही बना रहे हैं जिन्होंने ओरिजिनल फिल्म बनाई थी। लीड रोल में राजकुमार राव को फाइनलाइज किया गया है। एज यू नो, राजकुमार अपने हर रोल को बहुत परफेक्शन से करते हैं, सो वी आर एक्साइटेड टू सी हिम इन दिस रोल। माना जा रहा है कि राजकुमार इज वर्किंग ऑन अ न्यू लुक फॉर दिस फिल्म, सो दिस एक्सप्लेन्स कि वो इस फिल्म को भी अपना 100% दे रहे हैं। डू वी हैव सम राजकुमार फैंस वॉचिंग दिस वीडियो? डू ड्रॉप अ कॉमेंट। नंबर 3, हेलन। हेलन एक मलयालम फिल्म है जिसको 2019 में रिलीज किया गया था। ये एक सर्वाइवल फिल्म है जहां फिल्म की मेन कैरेक्टर हेलन एक ऐसी जगह फंस जाती है जहां से निकलना मुश्किल है। फिल्म में हेलन से जुड़े सभी लोगों पर शक किया जाता है जिसे फिल्म की कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। हेलन इज अ फिल्म दैट डिजर्व्स टू बी सीन बाय एवरीवन क्योंकि इंडिया में सर्वाइवल फिल्म्स रेयरली ही देखने को मिलती है। रिसेंटली इसका हिंदी रीमेक भी अनाउंस किया गया है जहां जाह्नवी कपूर को कास्ट किया जा रहा है। वी आर होपिंग दैट जाह्नवी गिव्स अ बेस्ट बिकॉज अगर इस फिल्म में एक्टिंग वीक रही तो हिंदी रीमेक बहुत ही एवरेज होगा। इवन द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म बोनी कपूर हैज सेड कि जाह्नवी को इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इफ हर एक्टिंग लुक्स फेक देन द ऑडियंस विल रिजेक्ट इट। नंबर 4, मिनारम। मिनारम एक क्लासिक कॉमेडी फिल्म है जिसे प्रियदर्शन ने बनाया है। प्रियदर्शन, एज यू ऑल नो, इज अ लीजेंडरी डायरेक्टर जिन्होंने बॉलीवुड में कई आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म्स भी बनाई है। मिनारम की स्टोरी में हम एक ऐसे आदमी की कहानी देखते हैं जो एक केयरफ्री लाइफ जीता है और सडनली उसे पता चलता है कि उसका एक बच्चा भी है। अब उसे फिगर आउट करना है कि ये बच्चा इसका है भी या नहीं। मोहनलाल जी इस फिल्म के लीडिंग एक्टर हैं और इसे मलयालम सिनेमा में बहुत पसंद किया जाता है। इसी फिल्म का रीमेक बॉलीवुड में हंगामा 2 के नाम से किया गया है एंड वी डोंट इवन अंडरस्टैंड What was the need to call it Hangama 2? आप ऑलरेडी फिल्म का ट्रेलर देख के आइडिया लगा चुके होंगे कि मिनारम की स्टोरी ही हंगामा 2 में रखी गई है। नहीं, मुझे नहीं। अरे आपको सुनना पड़ेगा। मुझे नहीं। नहीं सुनेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? मुझे नहीं। नंबर 5, रत्सासन।
रत्सासन एक ऐसी फिल्म है जिसको साउथ से ज्यादा हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस में पसंद किया जाता है। ये एक थ्रिलर फिल्म है जिसका नैरेटिव एक सीरियल किलर के अराउंड घूमता है। इस सीरियल किलर को ढूंढने का काम एक इंस्पेक्टर को दिया जाता है, जिसके बाद फिल्म में और भी ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। इन शॉर्ट, यू कैन से दैट रत्सासन इज अ थ्रिलर जो आपको बिल्कुल शॉक कर देती है। इस फिल्म को हिंदी में भी डब किया गया है, जिसके बाद ये फिल्म हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस में बहुत पॉपुलर हुई। इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसका बॉलीवुड रीमेक भी अनाउंस किया गया है। रिपोर्ट्स आई हैं कि इसके रीमेक को रंजीत तिवारी बना रहे हैं, जो फिल्म बेल बॉटम के डायरेक्टर हैं। रत्सासन के हिंदी रीमेक का नाम मिशन सिंड्रेला रखा गया है, जिसमें अक्षय कुमार को कास्ट करने की रिपोर्ट्स आई हैं। अक्षय पर यह कैरेक्टर डेफिनेटली सूट कर सकता है, बट ही इज ऑलरेडी प्लेइंग अ कॉप इन सूर्यवंशी, जिस वजह से ये रोल थोड़ा रिपीटेटिव लग सकता है। यू नो बोथ फिल्म्स आर डिफरेंट इन नेचर, बट मे बी इसमें किसी और एक्टर को भी लिया जा सकता है। इन आवर ओपिनियन, विकी कौशल पर यह कैरेक्टर सूट कर सकता है, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म के एक्टर विष्णु विशाल की पर्सनालिटी और एक्टिंग स्टाइल विकी से काफी सिमिलर है। आपका इसको लेके क्या ओपिनियन है? रत्सासन के रीमेक में आप अक्षय को ही देखना चाहेंगे या फिर किसी और एक्टर को? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? अपुन को लगता है अपुन आपको आपसे ज्यादा पहचानता है। नंबर 6, यू-टर्न। यू-टर्न एक मिस्ट्री फिल्म है, जहां हम एक जर्नलिस्ट को देखते हैं जो एक फ्लाईओवर पर हो रहे एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट बना रही है। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो एक ऐसी सिचुएशन में पड़ जाती है, जिसके बाद उसी पे मर्डर के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। इस नैरेटिव से फिल्म में कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं, जिसमें हॉरर से जुड़ी स्टोरी लाइन भी शामिल है। इस फिल्म को ओरिजिनली कनाडा में बनाया गया था, जिसके बाद इसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली में भी रीमेक किया गया है। इंडिया के बाहर भी फिल्म को रीमेक किया जा चुका है, जहां श्रीलंका और फिलीपींस में भी फिल्म को रीमेक किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि यू-टर्न कितनी सक्सेसफुल फिल्म है। इसके तमिल रीमेक में जर्नलिस्ट का कैरेक्टर समांथा अकिनेनी ने प्ले किया है, जिन्हें आप सबने द फैमिली मैन 2 में भी देखा होगा। बॉलीवुड रीमेक की बात करें तो एकता कपूर ने इस फिल्म के राइट्स लिए हैं और एक्ट्रेस आलिया एफ को लीड रोल में कास्ट किया गया है। नंबर 7, फोरेंसिक। फोरेंसिक एक बहुत ही अलग तरह की साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, जिसमें साइंस एक मेजर रोल प्ले करता है। फिल्म में हम एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, जिसे एक फोरेंसिक एक्सपर्ट डिकोड करता है। फिल्म पूरी तरह से आपको फर्स्ट सीन से एंड तक हुक्ड रखती है और इसकी टोन भी काफी डार्क है। फिल्म का रीमेक बॉलीवुड में किया जा रहा है और इसमें विक्रांत मासी को कास्ट किया गया है। विक्रांत ने भी एक इंटरव्यू में रिवील किया कि जब उन्होंने पहली बार फोरेंसिक देखी थी तो उन्हें ये बहुत पसंद आई थी। फिल्म में विक्रांत लीड रोल प्ले करेंगे एंड वी आर होपिंग दैट ही विल डू जस्टिस टू दिस कैरेक्टर कम्प्लीटली। जिस तरह से उन्होंने हसीन दिलरुबा और क्रिमिनल जस्टिस में इंटेंस रोल्स किए हैं, वैसे ही कुछ आप इस रीमेक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। याद हो या ना, मैंने देखी हुई है। इंसान इतना जरूर जानता है कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। नंबर 8, दिया। दिया एक कनाडा लैंग्वेज फिल्म है, जिसका रीमेक बॉलीवुड में किया जाने वाला है। दिया की स्टोरी लाइन बहुत ही इमोशनल है, जहां हम एक लड़की दिया की कहानी देखते हैं, जिसका लवर मर जाता है एंड शी मूव्स ऑन इन हर लाइफ विद समवन एल्स। बाद में स्टोरी में कई ट्विस्ट आते हैं, जिसके बाद बहुत चीजें रिवील होती है। फिल्म का नैरेटिव इतना इमोशनल और रियल था कि ऑडियंस के लिए ये एक स्पेशल फिल्म है। फिल्म को ऑलरेडी तेलुगु में रीमेक किया जा चुका है और इस साल बॉलीवुड में भी इसके रीमेक की शूटिंग शुरू कर दी गई है। नंबर 9, थराम। थराम की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म में हम दो कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिनके फेस एक दूसरे से सिमिलर हैं। एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस दोनों को सस्पेक्ट मानती है, पर प्रॉब्लम यही है कि अब इन दोनों में से कौन इनोसेंट है और कौन गिल्टी। ये नैरेटिव पूरी फिल्म को एक अलग तरह की मिस्ट्री फील देता है, जिससे ये फिल्म ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी। फिल्म का रीमेक बॉलीवुड में किया जाने वाला है, जहाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा को लीड रोल में कास्ट किया गया है। नंबर 10, सोरराई पोटरू। दिस फिल्म इज नॉट जस्ट अ फिल्म, इट हैज बिकम एन इमोशन फॉर ऑल ऑफ अस। सोरराई पोटरू एक प्रॉपर मेनस्ट्रीम फिल्म है, जिसमें हर ऑडियंस के लिए कुछ देखने को है। फिल्म में हम एक ऐसे आदमी की कहानी देखते हैं, जो एक लो कॉस्ट एयरलाइन स्टार्ट करना चाहता है, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करता है। ही ट्राइज एंड फेल्स एंड कीप्स ट्राइंग ऑन अगेन एंड अगेन। उसके एफर्ट्स को इतनी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है दैट यू स्टार्ट टू कनेक्ट विद हिज जर्नी। आप फिल्म के हर इमोशन पर रोते हैं तो उसकी खुशी में आपको भी खुशी फील होती है। सूर्या हैज अनडाउटेडली प्लेड दिस कैरेक्टर फ्रॉम हिज हार्ट और उनके अलावा अब किसी और को इस कैरेक्टर में इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। सोरराई पोटरू के राइट्स बॉलीवुड रीमेक के लिए ऑलरेडी खरीदे जा चुके हैं एंड वी आर जस्ट वरिड कि इसका रीमेक जेन्युइन हो। सोरराई पोटरू की कहानी बॉलीवुड ऑडियंस को भी पसंद आएगी, बट मेकर्स हैव टू बी श्योर कि वो इस फिल्म की कास्टिंग ढंग से करें। सूर्या के लेवल ऑफ एक्टिंग को किसी बॉलीवुड एक्टर पर इमेजिन करना मुश्किल है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट।
We think Aamir Khan can be a good choice for the remake क्योंकि इस फिल्म में कई years की journey दिखाई जाती है और इसी तरह के characters आमिर पर भी suit करते हैं। फिल्म में थोड़ा heroism और inspiration भी है, तो यहाँ अक्षय भी एक strong choice हो सकते हैं। But it's been so long since Akshay has done an emotional character. Just imagine the scene जहाँ airport पर सूर्या का character ticket के लिए पैसे ना होने की वजह से रोने लग जाता है। The scene requires a very strong performance. आप ही कमेंट्स में सजेस्ट करें कि आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड रीमेक में कौन से एक्टर को कास्ट किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स अच्छा था पता चला कि कौन कौन सी रीमेक्स बनने वाली हैं साउथ के मूवीज से। अच्छा इसमें मैंने ये देखा पर मेजॉरिटी अगर आपने नोट नहीं किया मेजॉरिटी थी साईफाई टाइप की, नहीं नॉट साईफाई वो क्या बोलते थ्रिलर या मतलब वो कोई क्राइम से रिलेटेड या उस टाइप की मूवी थी सारी, उनको ये मोस्टली कर रहे हैं उनका बना रहे हैं रीमेक। पर मेरे को यही क्वेश्चन समझ नहीं आता कि भाई आपको रीमेक बनाने की क्या जरूरत है, अपनी स्टोरीज बनाओ। क्योंकि अगर आप रीमेक बना रहे हो जिन्होंने वो देखी हुई है, जो आपने पहली देखी है ना, उसके बाद आप ये देखोगे आपको कभी पसंद नहीं आएगी, उसके चांसेस कि ये अच्छी लगे बहुत ही लो होते हैं। अभी कितनी रीमेक्स बनी और कितना लोगों ने बोला था कि क्या रीमेक बनाई है, जो ओरिजिनल थी वो कितनी अच्छी थी, क्योंकि वो ओरिजिनल ये जिसकी रीमेक बना रहे हैं वो वैसे ही हिट हुई हुई है। हिट का मतलब है कि वहां पे हर चीज जो थी बहुत ही अच्छी दिखाई गई, मतलब हीरो की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, विजुअल्स इफेक्ट बहुत अच्छे थे, एक्शन सीन्स डायलॉग्स सब कुछ उसमें अच्छा था, तभी वो हिट हुई है। अब आप उसका रीमेक बनाओ और उसके चांसेस की वैसे आपकी भी हर चीज वो बेस्ट हो, पॉसिबिलिटी कम ही होती है। तो पता नहीं क्यों रीमेक्स बना रहे हैं। पर एक एंगल ये भी है कि जिनको वो लैंग्वेज नहीं आती तो एटलीस्ट जो नहीं देख पाए थे उनको इससे थ्रू मतलब स्टोरी पता चल जाएगी। जैसे इसमें से कितनी सारी हैं, हमने तो इनमें से कोई भी नहीं देखी हुई थी, एक दो के अलावा जो मैंने देखी हुई है, तो इससे उनको जो है मिल पता चल जाएगा। क्योंकि कई बार अगर आप डब्ड देखो या नीचे से सबटाइटल्स पढ़ के देखो तो मजा नहीं आता, चाहे बहुत अच्छी भी मूवी हो ना तो मजा नहीं आता। मैंने ट्राई किए मुझे उतना मजा नहीं आता एज कम्पेयर टू अगर वो मतलब पूरी लैंग्वेज में प्रॉपर वो दिखा रहे हो। पर काफी इंटरेस्टिंग बनाया था इन्होंने। और क्या मैंने कुछ बोला था ना, मैं बताती हूँ कुछ किसमें बताने को बोला था मैं भूल गई, कोई टीवी सीरियल था कोई ऐसा, क्या भूल गई पूरा कौन सा टीवी सीरियल था है? पता नहीं को सीरियल था, मगर पॉइंट ये है, चलो मैं याद करने की कोशिश करती हूं। देखिए अगर डब करते हैं, अगर डब करके बोलते तो बिल्कुल मजा नहीं आता। अगर आप डब करके बोले क्योंकि पहली बात तो है उसमें आवाज और वो लिप मैच नहीं कर रहा होता, तो डब में तो बिलीव नहीं करता। दूसरी बात आ रही है कि आप अगर मुझे ऑप्शन दें कि आप रीमेक देखिए वर्सेज ओरिजिनल, मैं ओरिजिनल देखूंगा विथ सबटाइटल, क्योंकि उसमें मुझे ओरिजिनल जो एक्टर है वो दिखेगा, ओरिजिनल बंदा, उसकी ग्रेटनेस, ओरिजिनल स्टोरी, आप सबटाइटल दिखा दीजिए मैं उसमें बहुत खुश रहूंगा, आई विल अप्रिशिएट। वर्सेस कि आप उसकी रीमेक करें, वही चीज को दोबारा बनाएं, डिफरेंट एक्टर्स लें, जबकि वो ठीक है हम लोग फेमिलियर नहीं है, मतलब अगर आप नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं तो आप फेमिलियर नहीं है साउथ इंडियन एक्टर से, बट फिर भी अगर कोई मूवी अच्छी है तो मैं ओरिजिनली देखना पसंद करूंगा जिसमें सबटाइटल्स आ रहे हैं। तो देखेंगे, आई होप कि रीमेक्स अच्छी बने, इनका अच्छा चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स हो, अच्छे एक्टर्स लें जो इक्विवेलेंट बना सके देन द ओरिजिनल। हाँ पर दुख की बात है मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे साथ बहुत बार ऐसे होता है, मैं बोलती हूँ अच्छा बाद में बताऊंगी, उसके बाद मेरे को याद ही नहीं आता। इसलिए मैं हस्बैंड को भी ये बोलती हूँ कि जो मुझे बताना हो ना मुझे उसी टाइम बताने दिया करो, रोका मत करो, अगली बार हम वीडियो वहीं रोक के बात, उसके बाद यही करना पड़ेगा, हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। थी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा ही होता है बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है मैं भूल जाती हूँ। एनीवे तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।